हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ उपवास के एकदम सॉफ्ट और स्पंजी डोसे। और उसके साथ बनाएंगे आलू की सब्जी और मसाला चाट जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में एक कटोरी और आधी कटोरी यहाँ वरई ले लेंगे, इसे बगर भी कहते हैं। और आधी कटोरी हम उसी कटोरी से आधी कटोरी साबूदाना ले लेंगे। तो हम इसे वरई को अच्छे से धो लेंगे दो तीन पानी से। हमने वरई को धो लिया, अब हम इसमें पानी डाल के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और साबूदाना को भी हमने धो लिया है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसे भी हम 4-5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारे जो वरई है बगर वो अच्छे से फूल चुकी है और साबूदाना भी अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं एकदम। तो अब हम इन्हें बारीक पीस लेते हैं। तो हम सबसे पहले साबूदाना को बारीक पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है हमें। तो देखिए हमने इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो हमें पेस्ट इसी तरह का चाहिए। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसी ग्राइंडर में हम वरई को भी बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे वरई को भी बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह सभी वरई को हम बारीक कर लेंगे। तो हमने सभी वरई को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ डाल देंगे आधी कटोरी दही। इससे जो हम डोसे बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और मिक्स करके इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। जब तक हम आलू बना लेते हैं। यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और यहाँ हरी मिर्च को बारीक काट लिया है उसे डाल देंगे। और आलू को भी हमने बारीक काट लिए, इन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो हमारे आलू है वो जल्दी से थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और इसे हम ढक देंगे 2-3 सेकंड के लिए। तो देखिए 2-3 सेकंड बाद हमारे आलू है जो थोड़े पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। तो यहाँ हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और आधा चम्मच, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची ऐड करें। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे वापस से हम ढक देंगे और 2-3 सेकंड तक इसे ढक कर ही पकाना है, जब तक या फिर जब तक हमारे आलू पकते नहीं। तो ये देखिए हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। तो ये हमारे आलू बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम यहाँ मसाला छाछ बना लेते हैं। तो हमने छाछ ले लिया है, यहाँ तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमारे तेल गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और यहाँ 1 हरी मिर्च और 4 से 5 कड़ी पत्ते ले लिए, इन्हें डाल देंगे। 1 से 2 सेकंड इन्हें पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और गैस को बंद कर देंगे और इसे हम छाछ में डाल देंगे। देखिए हमारा मसाला छाछ भी बनकर रेडी है। और यहाँ हमारा बैटर भी फर्मेंट हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमें इसी तरह का चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा गाढ़ा, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग।
और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे खाने का सोडा और थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा बेटर रेडी है। तो हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और गीले कपड़े से इसे पोंछ देंगे इस तरह से। और गैस को हाई रखना है इस टाइम पे। इसके ऊपर थोड़ा सा बेटर डालेंगे और इस तरह चम्मच से फैला देंगे और आप गैस को मीडियम करके इसे पकने देंगे। देखिए हमारा डोसा है जो नीचे सीख चुका है, इसे हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही कम ऑयल लगता है। ये देखिए हमारा डोसा बनकर रेडी है और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसी तरह हम दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साइड में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसे भी दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे हम। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो देखिए एक साइड से सेक चुका है, दूसरी साइड से भी हम इसे सेक लेंगे। तो हमारे डोसे बनकर रेडी है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी डोसी सब्जी और छाछ बनकर रेडी है और बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी बने हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।